प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अपना अज का विशा है पैरा रचना। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल पैरा रचना बारे गल करांगी। मैं लखविंदर तुहानू पैरा रचना बारे मुढ़ली जानकारी देवांगी ते एक पैरा सवेर दी सैर इस उपर किवें लिखिया जा सकता है ये सांझा करांगी। मैनू उम्मीद है कि तुसी पूरी दिलचस्पी नाल अज दे विषय नू समझोगे अते एक बहुत वधिया पैरा रचना लिखण दे विच कामयाब भी होवोगे। आओ चलदे हाँ पैरा रचना वल। सब तो पहला तुहानू पैरा रचना हुंदी की है ये पता होना बहुत जरूरी है। किसे विषय उपर इको पैरे विच पेश कीते विचारां नू पैरा रचना आखदे हन। पैरा रचना एक अजही लिखण कला है जिस विच संबंधित विषय नू विचारां दे नाल संखेप रूप प्रदान किया जाता है। ये विशा साड़ी जिंदगी दे निजी जां होर किसी भी घटना नाल संबंधित हो सकता है। सारे विचारां नू एक ही पैरे विच लिखिया जाता है। पैरा रचना असल विच गागर विच सागर भरन दा कार्ज करती है। पैरा रचना स्पष्ट लड़ीबद्ध ते संखेप भी होनी चाहिदी है। भाव की है कि तुसी अपने विचारां नू अपनी कलम दे राही बहुत छोटे रूप दे विच लिखना हुंदा है। ठीक है, इनू आपां बोलदे आं पैरा रचना। पर पैरा रचना दे विच तुसी एक गल दा ख्याल रखना कि इहदे विच तुसी पॉइंट्स नहीं बनाउणे। जित्थों तुसी एक पैरा शुरू कर लिया तां बार बार पैरे भी नहीं बदलने। इको ही लड़ी दे विच तुसी मोतियां दी तरह सारे शब्दां नू परोंदे जाना है ते पैरा रचना करदे जाना है। प्यारे बच्चियो, हुण असी देखांगे कि एक चंगी पैरा रचना लिखण लई सानू किहड़े नुक्तियां दी लोड़ हुंदी है, किहड़ियां ओह गल्लां हन जिहड़ियां असी दिमाग दे विच रखणियां हन ते फिर ही कोई पैरा रचना करनी हुंदी है। नंबर एक, पैरा रचना केवल इको विषय नाल ही संबंधित हुंदी है। भाव कि तुसी इको समय दे विच जो भी तुहाडा विशा लिखण दे लई आया होया है ओहदे उपर ही तुसी अपने विचार पेश करने हन, होर कोई भी विशा विच नहीं लैके आउणा। नंबर दो, पैरे विच वरती जाण वाली भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहीदी है। भाव कि तुसी गुंझलदार भाषा नहीं लिखनी, कोई भी औखे शब्द नहीं लिखने जिहदे तुहानू आप ही बाद विच मतलब ना पता लगण। तीसरा, अखाणा ते मुहावरियां दी वरतों करनी चाहीदी है। जिस तरह एक कवि अपनी कविता नू अलंकारां दे नाल रास्ते नाल शिंगारदा है, उसे तरह ही तुसी अपनी पैरा रचना नू वधिया लिखण दे लई इहदे विच किसे भी तरह दे अखाण मुहावरे वरत सकदे हो। चौथा, विचार सुंदर ते प्रभावशाली ढंग नाल बयान कीते जाण, भाव के लमका नहीं होना चाहिदा। तुसी जो भी लिख रहे हो उसनू बयान करो ते चंगी तरह उसनू स्पष्ट रूप दे विच लिखो। पंजवां, उन्हां विच इकसारता होनी चाहिदी है कि ऐदां नहीं होना चाहिदा कि तुसी कोई भी गल कितों भी चक के लिख लो। भाव कि तुसी किसे दी जीवनी लिख रहे हो जां स्वै जीवनी लिख रहे हो तां उहनू एक तुसी तरतीब दे विच लिखोगे, पहलां उहदा जन्म बचपन जवानी बुढ़ापा। ठीक है, सो एक इकसारता होनी चाहिए आ, एक तरतीब होनी चाहिए आ। नंबर छे, लोड़ अनुसार छोटे वड्डे वाकां दी वरतों हो सकती है। सत्तवां, गुंझलदार वाकां तो परहेज करना चाहिदा है, भाव के कोशिश करो कि तुसी सौखे वाक लिखो जो कि समझ विच भी आ सकन। अठवां, विद्यार्थी दी जमात अनुसार पैरे विचले शब्दां दी गिनती 200 शब्दां दे नेड़े तेड़े ही होनी चाहीदी है कि जिस तरह तुहाडी जमात तुहाडी क्लास है उसे तरह ही शब्दां दी गिनती होवेगी। वड्डियां जमातां दे विद्यार्थी 2 पेज दा पैरा रचना कर सकदे हन। हाँ जी बच्चियो, हुण असी अगे देखांगे कि एक चंगी पैरा रचना दियां की विशेषतावां हुंदियां हन जो तुसी दिमाग विच रखदे हुए पैरा रचना करनी है। पहली,
विचार ठीक अते विषय नाल सीधा संबंध रखण वाले होण कि तुहाडे विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ने, जिहड़ा भी तुसी विषय लिख रहे हो उहदे नाल संबंधित ही होने चाहिए हन। दूसरा, उहदे विच कोई भी फालतू गैर जरूरी गल ना होवे कि तुसी उही गल करनी है जो कि तुहाडे पैरे दे नाल तुहाडे विषय दे नाल संबंध बना रही आ। कोई भी रचना तुसी एहो जिही नहीं करनी जो पैरे दे विच फालतू लगे ते कल पेपर चैक करन वाला उन्हों लगे कि बच्चे ने बहुत ही मन घड़त गल्लां लिखिया हुई ने। पैरा रचना इस तरह की होनी चाहिए है कि पेपर चैक करन वाला तुहाडी पैरा रचना नू बार बार पढ़ना लोचे। तीसरा, दित्ती गई सारी जानकारी ते भाव सही सुंदर ते प्रभावशाली ढंग नाल बयान किए गए होण। चौथा, एक लड़ी विच परोते गए होण तां जो प्रभाव की एकता बनी रहे। अगे, विचारां दे प्रगटाव विच स्पष्टता होवे। वाक लंबे ते गुंझलदार नहीं सगों छोटे छोटे ते भावपूर्त होण। ए एक पैरे विच संखेप ते लड़ीबद्ध होने चाहिए हन। अगे असी देखांगे कि पैरा रचना दे नियम केड़े हन जो तुसी याद रखने हन ते उन्ना नियमां दे विच रह के ही पैरा रचना नू करना है। पहला, पैरा रचना शुरू करन तो पहला इस दे सिरलेख नू ध्यान नाल विचारो ते उसदा घेरा समझो, भाव कि तुहानू पेपर दे विच दो जां तीन पैरा रचना आ सकदियां हन। इन्हां विचों तुसी देखनी है कि किहड़े सिरलेख नू, भाव किहड़ा ओ नाम है, किहड़ा ओ विशा है जिहदे ते तुहानू ज़्यादा जानकारी है ते सही जानकारी है, फिर उही सिरलेख उही पैरा रचना दा विशा चुनो ते फिर उन्हूं करना शुरू करो। दूसरा, पैरे दे शुरू विच किसे लंबी चौड़ी भूमिका दी लोड़ नहीं हुंदी क्योंकि तुसी इहदे विच टू द पॉइंट ही गल करनी है। तीसरा, पैरा खत्म करन तो बाद उसनू दुबारा पढ़ लियो तां जो व्याकरण, वाक रचना, शब्द जोड़ा ते विश्राम चिन्हां दीआं जो गलतियां होईआं हन उहनां नू तुसी सुधार सको, भाव पैरा रचना करन तो बाद उहनू एक वार तसल्ली दे नाल जरूर पढ़ो ते उहदे विच होईआं गलतियां नू सुधारो। ठीक है। चौथा, पैरे विच मुहावरे अते अखाण भी वरते जा सकते हन। मुहावरे ते अखाण भाषा दे गहने हुंदे हन, जिवें कि मैं तुहानू पहला भी दस चुकी हाँ। अपनी गल नू स्पष्ट करन दे लई तुसी मुहावरे अखाण वरत सकते हो, पर ए ज़्यादा भी नहीं वरतने। ठीक है। पंजवां, बड़ी सोच विचार नाल ओ विशा चुनो जिस बारे तुसी सब तो वध जानदे हो। ठीक है। कई बार बच्चे पहला ही विशा चक के लिखना शुरू कर देंगे ने ते बाद विच उन्हां नू भुल जांदा आ कि इहदे विच असी की कुछ होर लिख सकते हैं। सो पहला ही तुसी ध्यान दिओ, हर एक विषय नू तसल्ली दे नाल सोचो, जिहदे बारे तुहानू ज़्यादा पता है उहदे बारे फिर लिखना शुरू करो। अंत विच एक सोहनी पैरा रचना लिखण दे असी कुल मिला के चार गुण देखते हाँ। पहला, स्पष्टता कि तुहानू अपने विषय उपर पूरी तरह दे नाल स्पष्टता होनी चाहिए है, तुसी स्पष्ट होने चाहिए हो कि तुसी की लिख रहे हो। दूसरा, जानकारी कि तुहानू उस बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए है। तीसरा, संखेपता कि आपां ज़्यादा बयान वल ज़्यादा लंबाई वल नहीं जाना, असी संखेप रूप दे विच एक वड्डी गल कहनी है जिस तरह असी देखते हाँ व्यंग करना। ठीक है। फिर तरतीब कि हर एक गल तरतीब दे विच होनी चाहिए है, इदा बिल्कुल नहीं करना कि तुसी कदी कोई गल शुरू कर दो ते कदी कोई, हर एक गल दी तरतीब होवे, एक तो बाद एक घटनावां जिहड़ियां आ उह घटित होनियां चाहीदियां ने। ये चार चीज़ां नू तुसी दिमाग विच रख के फिर ही एक सोहनी पैरा रचना लिख सकते हो। हुण असी देखते हाँ कि समय की कदर उपर किवें लिखिया जा सकता है। वीडियो दे विच दिखाया गया है, तुसी इनू समझना है अते मेरे नाल नाल पढ़न दी ते समझन दी कोशिश करनी है। पैरा रचना समय की कदर। समा बड़ा कीमती शै है, असी होर तां हर चीज़ हिम्मत जां धन द्वारा प्राप्त कर सकते हाँ, पर
ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲਗਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲੀ ਜੁਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਵੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗੋ, ਖਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।